डील अच्छे क्रैक किया है। 33 GoPro Hero 5 2018 में लिया था। GoPro Hero 8 इसको 2 साल तो हो गए, लेकिन ये कब लिया था मुझे याद नहीं, लेकिन लॉकडाउन के पहले लिया था। और Osmo एक्शन कैमरा, ये Osmo का एक्शन कैमरा है जो कि मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। जब से ये दोनों खराब हो गए तब से ये मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब बारी है इसे वापस लौटाने की। सो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे अपना GoPro Hero 8 जो हमने दिल्ली भेजा था अपने दोस्त के पास कि कुछ इसका हो सकता है क्या, बट कुछ नहीं हो पाया। सो अब इसे मैं 1-2 दिनों में मुंबई लेके जाऊंगा इसको रिपेयर कराने के लिए, कि भाई इसके बिना काम अपना नहीं हो पाता। जैसे कि ये हीरो 5 है, इसका कंडीशन देखो कैसा है। अब ये भी चालू कंडीशन में, लेकिन इसमें वॉइस ओवर रिकॉर्ड होता नहीं है, लेकिन इसका बैटरी हो चुका है खराब। अब मेरे पास यहाँ पे GoPro Hero 8 का 2 बैटरी है और हीरो 5 का 1 बैटरी, लेकिन हीरो 5 का बैटरी हो चुका है खराब क्योंकि वो फूक चुका है और उसमें छेद भी हो गया, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता कि कैमरे में उसको यूज करूँ। और GoPro Hero 8 का बैटरी हीरो 5 में नहीं चलता, लेकिन GoPro Hero 5 का बैटरी 8 में चलता है। तो लो मतलब सामान सब होने के बाद भी हम उसको यूज नहीं कर सकते। यस, इंस्टाग्राम पे हमारे बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि भाई एक्सेस कहाँ पे है, एक्सेस कहाँ पे। ये देखो एक्सेस यहाँ पे है, जो कि बारिश के बाद ये इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बढ़ जाता है। सिर्फ बारिश में जो है ये वाले एक्सेस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन बारिश के बाद ये बहुत बढ़िया चलता है। तो ये चालू कंडीशन में है यहाँ पे, बट हम नहीं यूज कर रहे। देखिए मिरर इसमें भी लगा हुआ है, अभी भरपेट पानी पिया। तो अब हम बात करते हैं एक्सपल्स की, जिसमें हमने जो लास्ट टाइम एक लिक्विड ऑयल कूलेंट का जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा भारी पड़ गया देखने के हिसाब से। अभी भी ऑयल जो है गिरा पड़ा, क्योंकि कल मैंने बाइक चलाया नहीं तो उतना ये नहीं, लेकिन अब चला के देखते हैं। सबसे पहला वॉशिंग सेंटर लेके जाएंगे और ये एरिया पूरा क्लीन करने के बाद, सूखने के बाद देखेंगे कि ऑयल वहाँ से रिस रहा है कि नहीं। ऐसे देखेंगे तो ऑयल तो हर जगह यहाँ पर भरा पड़ा है, वही डर लग रहा है मुझे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से अभी तो ऑयल कोई रिश्ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑयल जो है पीछे यहाँ पे जमा हो गया, उसमें मट्टी चिपक गया है। तो मैंने अभी सिर्फ इस पोर्शन को क्लीन किया है और अभी तो ऑयल नहीं गिरेगा। ऑयल कब गिरेगा? जब इंजन रनिंग होगा, स्टार्ट होगा, और यहाँ से जब ऑयल आएगा तब यहाँ से ऑयल जो है गिरेगा। तो मैं भी इसको चलाऊंगा, यहाँ से चलते हैं गैरेज और देखते हैं उस टाइम यहाँ पे ऑयल आता है कि नहीं। और इसको एक बढ़िया वॉशिंग की जरूरत है, जो कि हम फिर कभी दिलाएंगे। अपने टाइगर को चला के, मतलब हमने कुछ 4 किलोमीटर चला के लेके आ गए हैं और अब रिजल्ट देखते हैं कि भाई इसमें ऑयल लीकेज है कि नहीं। सो ये आपके सामने और कुछ रिपोर्ट जो है अच्छा लग रहा है कि मतलब लीकेज नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, जब मैं संडे को बाइक राइड पे ले गया था, संडे से पहले जो हमने सैटरडे को शाम को जो छेड़खानी किया था, ऑयल लिक्विड कूलेंट का जो पाइप था जिससे हम ऑयल बाहर निकाल रहे थे, सारा का सारा ऑयल इंजिन पे गया था और उसके बाद हमने फिट कर दिया लेकिन साफ नहीं किया। जब मैं संडे राइड को गया और उतरने के बाद जब देखा तो बहुत ऑयल था और मैं डर गया कि भाई कुछ हो तो नहीं गया। वही डर हमने आज निकाल दिया। वो डर निकालने के बाद यहाँ पे सेफ है कि भाई मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं है बाइक में, बाइक एकदम ठीक है। बाइक में अभी जो 2-3 चीजें मुझे चेक करानी है वो है बाइक का प्लग और बाइक का कॉन्सेट और बाइक का फ्यूल इंजेक्टर, जो मैंने कहा था ये 3 चीज को मुझे चेक कराना, उसके बाद मैं और कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि बाइक एकदम ओके है। एक और कमेंट आ रहा था कि भाई बाबा जान कहाँ पे है, अपनी ओपन कार कहाँ पे है। गैरेज में है, दिखा देता हूँ कहाँ पे है, किस कंडीशन में है। और ये गाड़ी ना चली हुई है, दिख रहा है आपको वहाँ पे, ये आपको निशान दिख रहा है मट्टी उड़ने का, ये गाड़ी चला हुआ। कोई तो मतलब आरिफ का दोस्त था जो कि गाड़ी ड्राइविंग सीख रहा था, तो इसे चला रहा था और चला चला के देखिए पूरा मट्टी यहाँ वहाँ पे, और वो सीख लिया और चले भी गया। और अंदर से कुछ ऐसा हाल है, इसको मैं यहाँ पे इसलिए रखा हूँ कि इसमें ना इसका पेट्रोल का काम नहीं करता और कुछ दिन पहले बारिश भी आ गया था तो इसको यहाँ से हिला नहीं पाया। अब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा जब ये ठीक हो जाएगा, मतलब पेट्रोल का। बाकी इसके और भी काम करने हैं, ये भी अंदर से खराब हो गया, इसको निकालने के लिए पूरा खोलना पड़ेगा। इसके मुझे आगे बम्पर ठीक करवाने हैं, पीछे से भी ये बम्पर देखो ठीक करवाना है। सब ये झोल झपाट में चल रहा है अभी, मतलब झोल झाल में चल रहा है, ऐसे नहीं चलाना है इसको। और एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि आरिफ ने भी एक और गाड़ी लिया है, बहुत ही शानदार, कम से कम पैसे में उसने गाड़ी ली है और जिसका वो काम कर रहा है। कौन सी गाड़ी है देखिए, और वो जो गाड़ी है वो गाड़ी ये है बाबूराव। यस, मैं इसको बड़े प्यार से बाबूराव बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ ये है बुलेरो 2011 की मॉडल, यह है बुलेरो 2011 की मॉडल जिसका आरिफ ने लिया है। आरिफ कांग्रेचुलेशन, गाड़ी लिया और गाड़ी में लेते ही काम पे लग गया ये, मतलब गाड़ी को पूरी तरह से ओपन कर रहा है, पूरी तरह से गाड़ी को खोल रहा है। और क्योंकि
इसको हो गए हैं पूरे के पूरे 9 साल, और 9 साल में गाड़ी में क्या क्या कहाँ कहाँ जंग पकड़ लेते हैं ना, वो आपको दिखाता हूँ। तो साइड लुक दिखा दूँ, जिसमें मैकविल और ये बड़े वाले टायर लगे यार, इसको ना एकदम धासु वाला लुक दे देता है। मतलब थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा सा ही बाहर है, लेकिन एकदम फंटास्टिक लुक है। पीछे जो ये एक्स्ट्रा स्टेपनी लगाया ना यार, ये लुक इसको बहुत धासु देखा। और मैंने इतने सारे वीडियोस देखे ना यार बुलेरो के, मतलब इस बाबू राव के, कि भाई इसको लोग नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल मॉडिफाइड करते हैं। सो ये धासु है। अब पूरा इसका ए टू जेड काम हो रहा है, सिर्फ इसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम है जो कि है। ऐसे छोटे मोटे जो दिख रहे हैं ना, ये आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान देता है। तो इसी सबको सुधारने के लिए पूरा गाड़ी को खोल दिया है, और अभी ये इधर से भी पूरा ओपन कर दिया कि पूरा वेल्डिंग करके इसको ठीक करेगा। छोटे छोटे से हैं जो कि सबको इसके ऊपर ना कवर रहता है और बिल्कुल दिखाई देता नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा बाहर निकला हुआ है पिछले के टायर के हिसाब से, और इसने गाड़ी को देखो पूरी तरह से ओपन कर दिया, क्योंकि हर जगह जो है जंग लगे हैं, और इतने छोटे छोटे जंग लगे ना जो कि बहुत ही नुकसान देता है। तो जब ये गाड़ी लेने गया था तो भाई बाहर से बहुत ही डैशिंग लग रहा था, बहुत ही फर्स्ट क्लास एकदम जबरदस्त। मैंने इसको चलाया भी, क्या था उस दिन, परसों क्या था, ईद मिलाद ना, उतना लंबा नाम नहीं याद आएगा मुझे। तो ईद मिलाद था जिसमें मैं ये गाड़ी चला रहा था, बहुत ही शानदार था। लेकिन भाई उसके बाद जब ये गाड़ी खोला तो देख रहे हो आपको ये सब दिख रहा है आपको, मैं आपको अगर दिखा दूं, ये सब जो आप देख रहे हो ये सब देखो अंदर जो है, ये कांच के पीछे का हाल देखो क्या है, कहां कहां पे कितने जंग लगे। ये जो है आगे का इधर का बम्पर हटा दिया है, वहां पे रख दिया है, तो यहां पे भी पूरे जो है बहुत ही खतरनाक जंग लगे जो कि आगे जाके बहुत ही ज्यादा हो जाता है। सो ये सब निकाल के इसको वापस डेंटिंग एंड पेंटिंग इसका होने वाला है, हर जगह वेल्डिंग मारने वाला है। उसके बाद ये गाड़ी रेडी हो जाएगी, और पता नहीं रखेगा कि बेच देगा। देख के मुझे भी तो पसंद आ गया है भाई। वैसे ये डील जो है, कितने में डील क्रैक किया तूने उससे? डील अच्छे क्रैक किया है, 3,30,000 में गाड़ी लिया है, 3,30,000 में लिया है, लेकिन अभी जिसमें 40 से 50 खर्च करने वाला है। ये पूरा मैकेनिक अपने तरीके से एकदम बेहतरीन बनाएगा कि मतलब जब इसको वो सेल करे, मतलब ये तो रखेगा नहीं, पक्का है कि इसको ये सेल कर ही देगा एक ना, क्योंकि ये गाड़ी लेता है बनाता है सेल करता है। सो ऐसा नहीं कि चूना पट्टी वाला, एकदम भाई अच्छा बना के। तो देख रहे हो एक एक छोटी छोटी चीज को परफेक्ट करने के लिए पूरा गाड़ी को ओपन कर दिया है। एक शानदार घड़ी तो नहीं है कि मैं आपको टाइम बता सकूं। सो यहाँ पे रात के 2:04, और अभी जस्ट एक वीडियो फाइनल किया। हाँ ये वीडियो था शादी का। सो ये मैंने कोई इफेक्ट नहीं दिया है, ये जो बाल है ना एकदम गोभी जैसे जो फूले हैं एकदम शानदार, मतलब बाल को अच्छी अच्छी तेल मालिश मिल रही है जो इतना अच्छा फुगा हुआ है। सो मैंने आपको दिखाया आरिफ ने जो गाड़ी ली है बाबू राव बुलेरो 2011 मॉडल 3,30,000 में। हाँ भाई अगर कैश अपने पास अवेलेबल हो ना तो बहुत सी गाड़ियों का ऑफर आता है इमरजेंसी पे, लेकिन अपने पास तो यहाँ यार इस गोप्रो को ठीक करने के लिए पैसे नहीं। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं गोप्रो को लेके जाने वाला हूँ मुंबई, जहाँ पे जाके मैं दे दूंगा ठीक करने के लिए। एक हफ्ता उन्होंने बोला है, बचा तो आना, नहीं बचा तो भी लेने को आना, क्योंकि वो रखेंगे तो नहीं। सो ये करूंगा, गोप्रो बन जाए तो हाई ओप की थोड़ा मोटा उलग वहाँ पे स्टार्ट हो पाएगा, थोड़ा कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे, बिकॉज अब मानसून का सीजन चला गया। तो अगर ठीक हो गया तो 8 महीना या 7 महीना कोई टेंशन नहीं गोप्रो का। और हम भी काम कर रहे हैं जो पुराना काम करते थे, वीडियो एडिटिंग वेडिंग शूटिंग एडिटिंग, वो काम भी चालू हो गया धीरे धीरे। कैमरे के पीछे छोटे मोटे काम कर रहे हैं और काम आ भी रहा है, थैंक यू सो मच, आप में से बहुत लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। और नवंबर दिसंबर जैन जो वेडिंग सीजन है उसमें भी मैंने बहुत से काम लिए, मतलब हर मंथ में एक एक काम है जो मैंने लिया है, ज्यादा काम लिया नहीं है। और रिक्वायरमेंट मतलब कॉल तो आ रहे, सो ऐसा आ रहा है कि मतलब सेम डेट पे आ रहा है, मतलब जो डेट पे मैं काम ले लिया हूँ उस डेट पे कॉल आ रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अदर दूसरे दिन मतलब दूसरे डेट का काम आए तो वो काम मैं ले सकूँ। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि मुझे रिंग लाइट लेना पड़ेगा यार। रिंग लाइट मतलब मुझे ऐसा ऊपर रख रहा हूँ तो ऊपर से कैसा लाइट आ रहा है, सामने से लाइट है तो यहाँ पे और यहाँ पे अंधेरा आ जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि नहीं, फिर कभी कहेंगे आपको। तो भाई यहाँ पे अपनी बाइक थोड़ा टाइम ले ले दो मुझे, कि ऐसा ना हो कि घाई कर दूं मैं कोई भी चीज बोलने में। तो ब्लॉग एंड करता हूँ, बाइक जो है सेफ है, ऑयल लीकेज नहीं है, और जो मैंने आपको दिखाया बाबू राव आपको कैसा लगा बताना कि भाई क्या सही प्राइस में उसने लिया। अगर आपकी भी गाड़ी को 10 साल 8 साल हो चुका है तो जिन जिन भागों में आरिफ जो बना रहा था, मतलब वेल्डिंग का काम जो रिपेयर कर रहा था, वैसा आपकी भी गाड़ी में हो सकता है, जो छोटी छोटी हैं लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं, तो उसको ही वो ठीक कर रहा था जो मैंने आपको दिखाया।
मिलते हैं अब दूसरे ब्लॉग में।